हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क यानी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। ये जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर है। ये पार्क राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर का कोई नेशनल पार्क नहीं है। इसका पूरा क्षेत्रफल 3,162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पार्क का काफ़ी बड़ा भाग नमक की झीलों और कटीली झाड़ियों की वजह से लुप्त हो गया है और यहाँ पर रेत के टीले की भी संख्या बहुत है। ये पार्क रेगिस्तान के प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग हैं। यहाँ कई किस्मों के पक्षी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर बाज, गिद्ध जैसे पक्षियों को देखना आम बात है। यहाँ लगभग लुप्त हो चुकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, जो एक बहुत सुंदर पक्षी है, उसकी भी संख्या यहाँ काफ़ी मात्रा में है। ये पार्क 18 करोड़ वर्ष पुराने जानवरों और पौधों के जीवाश्म का एक संग्रह है। इस क्षेत्र में डायनासोर के कुछ जीवाश्म पाए गए हैं जो लगभग 60 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर कई अनूठी वनस्पतियाँ और पशुओं के साथ साथ वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। इस पार्क में 3 प्रमुख झीलें हैं, राजबाग झील, मलिक तालाब झील और पद्म तालाब झील। ये तीनों झील इस राष्ट्रीय पार्क के पक्षी, जानवर, पशु और वनस्पतियों के लिए प्रमुख जल स्रोत है। इस नेशनल पार्क में ब्लैक बग, रेगिस्तानी लोमड़ी, भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली, खरगोश, सांप, रेप्टाइल, छिपकली, गिरगिट जैसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। पक्षियों में मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाज, चील, गिद्ध, मरु तीतर, सारस, बगुला दिखते हैं, जो पक्षी प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ दुनिया भर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर सेवन घास और झाड़ियाँ चारों तरफ देखी जा सकती हैं। राजस्थान सरकार ने इस पार्क को 4 अगस्त 1980 में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। इससे पहले ये मरुभूमि वन्यजीव अभयारण्य था। अपने पर्यावरणीय और वनस्पतियों के महत्व के कारण ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, जिससे इस पार्क में रहने वाले जीवों और इसका विकास और अच्छे से किया जा सके। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले लिखित कानून शासक मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था और आधुनिक भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाया गया प्रथम अधिनियम भारतीय पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887 में मूल संविधान में वन्य जीव का विषय राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव का विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये थी डेजर्ट नेशनल पार्क से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।